स्टूडेंट्स देखिए, बात चल रही थी चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो हमने पहला पॉइंट आपको बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा दुख व्यक्त किया जाए, अलास, ओह, अरे, ऐसे शब्दों में, तो उनको चेंज करने के लिए पहले नियम हमने आपको बताया। अब आ जाइए सेकंड नियम हम आपको बता रहे हैं। जब बात खुशी या हर्ष की हो, जब रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा हर्ष व्यक्त किया जाए, खुशी व्यक्त किया जाए, तो ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को हुर्रा से शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क हुर्रा, एच यू डबल आर ए एच, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, सेंटेंस काफी पूछा जाता है। देखिए तब क्या होता है, रूल हम आपको बता दें। यदि आपने देख लिया सेंटेंस में कि रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू है, किससे प्रारंभ है, हुर्रा है, तो चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को चेंज करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद जा जॉय का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वहां पर क्लास ओ को हटाने के लिए आप एक्सक्लेम्ड विद सारों का प्रयोग करते थे, लेकिन यहां पर हुर्रा को हटाने के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करोगे। और हुर्रा किस भाव में आता है, खुशी या हर्ष व्यक्त करने के लिए। कंजक्शन क्या लगाया जाएगा, कंजक्शन वही पुराना नाम बताए थे, दैट का प्रयोग किया जाएगा। बाकी टेंस परिवर्तन, पर्सन चेंज सेम होगा जैसे आप प्राय करते हैं। जरा देख लीजिए सेंटेंस आगे, अभी हमें बताया एक सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, दे सेड, दे सेड वी हैव वन द मैच, ऐसा सेंटेंस आया है। एक मिनट रुक जाइए, दे सेड और आ जाए यहां पर हुर्रा, इससे प्रारंभ हो गया हुर्रा से, दे सेड हुर्रा, We have won the match. ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप तुरंत जाओगे खुशी या हर्ष की बात में किसमें बदलना है, एक्सक्लेम विद जॉय बदलना है। आप लिखोगे सेड को हटाओगे, दे एक्सक्लेम विद जॉय कंजक्शन दैट। अब जरा देखिए ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। याद है चेंज टेंस परिवर्तन, प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। अब जरा देख लीजिए यहां पर क्या है, वी, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, नियम याद होगा भूलिएगा मत, सन बटा 123 किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है क्या, दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे। है को किस में चेंज करोगे, है विन का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा है और द मैच, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, इसलिए विन और ऑन होता है, तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैव वन द मैच। किसका लक्षण मिला, हुर्रा का। ये पहला का एग्जांपल, दूसरा जरा देखिए, I said
आ गया एक्सक्लेमेशन एक्टिव वर्ब हुर्रा। मोहन इज रेसिंग वेरी फास्ट। रेसिंग दौड़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है, दौड़ हो रही थी करे। मोहन इज रेसिंग वेरी फास्ट, मोहन बहुत तेज दौड़ रहा है। हर्ष व्यक्त करने के लिए क्या आ गया है हुर्रा, यहां पर क्या हो जाएगा आई एक्सक्लेम्ड विद ज्वार कंजक्शन दैट। यहां पर मोहन टेंस परिवर्तन करो, इज के स्थान पर वाज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें पास्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए इज के स्थान पर क्या लग गया वाज, मोहन वाज रनिंग रेसिंग वेरी। इसी को कहा जाता है चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिससे क्या व्यक्त हो खुशी या हर्ष व्यक्त हो। क्या समझ में आ रही? अब चलिए आगे बढ़ा जाए। थर्ड पॉइंट जो आता है इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कहीं कोई समस्या होगी तो आप पूछ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट जो आपका आता है वो है बहादुरी या प्रशंसा के लिए। आपकी प्रशंसा करने के लिए आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि आपकी क्या किया जाए प्रशंसा, या क्या व्यक्त करने के लिए बहादुरी व्यक्त करने के लिए। जब प्रशंसा या बहादुरी व्यक्त कर किया जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रारंभ होती है ब्रेवो से या वेल डन से। याद रखिएगा आपको इन चीजों को याद रखना है, जब रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो या वेल डन से प्रारंभ हो तो समझ लीजिए आपको प्रशंसा किया जा रहा है या आपकी किसकी बहादुरी की बात की जा रही है, बहादुरी की बात। अब ब्रेवो और वेलन के लिए जरा देख लीजिए क्या करना है, रूल पे आ जाइए, रूल जरा देख लीजिए। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड होता है या सेड टू होता है इनको हटा करके, इसको हटा करके सेड या सेड टू को हटा करके आप इसके स्थान पर क्या कर देंगे प्रेज करेंगे। जरा ध्यान से देखिए सेड या सेड टू को रिप्लेस करोगे और उसके स्थान पर क्या लाना है एक सिंगल वर्ड लाना है प्रेज, बाकी कंजक्शन क्या लग रहा है दैट लगता ही रहेगा। क्लियर? कोई परिवर्तन नहीं, टेंस परिवर्तन पर्सन चेंजिंग जैसा आप करते आए थे वैसा चलेगा। जरा एग्जांपल जरा देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा जैसे फादर सेड, फादर सेड ब्रेवो एलन, ब्रेवो एलन वी आर प्राउड ऑफ यू। सेंटेंस देखिए, प्लेइंग गेम लेसन आपका है, पढ़ चुके हैं फादर से ब्रेवो एलन वी आर प्राउड ऑफ यू, क्या है ब्रेवो, इसका मतलब इट मींस प्रशंसा या किसकी बात की जा रही है बहादुरी की, किसके द्वारा फादर के द्वारा, किसके लिए एलन के लिए। अब जरा देख लीजिए किसको रिप्लेस करना है सेड को, किससे रिप्लेस करना है प्रेज्ड
फादर पेड किसको एलम, अब लगा दो अपना कंजक्शन दैट, फादर पेड एलम दैट। यहां पर क्या है वी, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है क्या फादर, इसका क्या बनेगा फादर पे जलन दैट ही वाज प्राउड ऑफ यू स्पीच इन यू, सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया यहाँ पर एलम, एलम को इसीलिए बीच मिला करके रख दिया, ये हो गया फादर प्रेज एलम राहुल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे सेड वेलियम मोहन हैज डन डिफिकल्ट टास्क, आगे वेलन मोहन हैज डन डिफिकल्ट टास्क, अब क्या करना है वेलन आ गया तो आप लगा दोगे दे प्रेज्ड किसके लिए मोहन के लिए, दे प्रेज्ड मोहन क्या हो जाएगा दैट ही हैड को किस में चेंज करोगे हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ही हैड डन डिफिकल्ट टास्क, ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो। तो दो आज दो पॉइंट आपने पढ़ा, पहला पढ़ा हर्ष या खुशी में करने के लिए होगा, दूसरा पढ़ा प्रशंसा या बहादुरी के लिए रेबो या विलन, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।